भाई इस वक्त जो लगी हुई है ज्यादा, मतलब ये कीमा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कीमा ज्यादा कसरत से खाया जा रहा है, उसके बाद मटन और बीफ, ये शाही कढ़ाई जो इनकी जो स्पेशलिटी है वो, और उसके बाद भाई ये कटागंड यार, ये मतलब मुझे डिफरेंट कुछ लग रहा है इसके अंदर, कोई खास चीज होगी यार। चार जनरेशन तो यार तुम्हारे बच्चे नहीं हुए अभी तक? ये कौन सी कढ़ाई है? ये व्हाइट कढ़ाई है। व्हाइट कढ़ाई, और ये शाही कढ़ाई है? चिकन शाही कढ़ाई। चिकन शाही कढ़ाई, ये व्हाइट मेजर है, ये लेमन चस्का है। क्या क्या? लेमन चस्का, लेमन चस्का। ये सीन है बस यार, ये चेक करें, माशाल्लाह मज़ेदार सीन होता है ये। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ सोल्जर बाजार में मौजूद हूँ, यहाँ पर मिलती है कोयला चस्का कढ़ाई, जो कि बेसिकली एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पर मल्टीपल किस्म की वैरायटीज को तैयार किया जा रहा होता है, सारी की सारी कोयले के ऊपर तैयार होती है। अभी तक आपने जो देखा होगा एक कटाकट जो कि तवे पर बन रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो कढ़ाई में बनता है। उसके अलावा बलोची बेसिकली बारबेक्यू जो होता है, बलोची टिक्का भी कोयलों पे बनाया जाता है सीखों में डाल के, लेकिन यहाँ पर वो भी कढ़ाई में तैयार किया जाता है। और जो इनकी स्पेशलिटी है शाही बीफ कढ़ाई, तो आज मैं वो ट्राई करने वाला हूँ। चल के फिर आपको पूरा एक्सप्लोर कराते हैं, दिखाते हैं कोयला चस्का कढ़ाई का जायका वगैरह कैसा है, सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताते हैं। तो वीडियो एंड तक मेरे साथ रहिएगा, चलते और एक्सप्लोर करते तो फिर आ जाए। कोयला चस्का कढ़ाई पर माशाल्लाह रश चेक कर रहे हैं इस वक्त, लोगों की तादाद कितनी है, मतलब एक बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग बैठ गए खाना वगैरह खा रहे हैं। ये इनका सारा सिटिंग एरिया है भाई, यहाँ पर फैमिलीज वगैरह सारे हर तरह के लोग बैठे हुए हैं भाई। ये और पूरा इसका एक वीआईपी सा माहौल इन लोगों ने बना के यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ की जो स्पेशलिटी है, वैसे आपने अमूमन कटाकट खाया होगा जो कि तवे पे फ्राई किया जाता है, पर यहाँ कटाकट कढ़ाई में बनाया जाता है, प्लस उसके साथ में यहाँ की बलोची जो टिक्का होता है बेसिकली वो भी कढ़ाई में तैयार किया जाता है। यार ये बड़ी यूनिक सी चीज़ है, लेकिन खैर मैं आया हूँ यहाँ पर शाही कढ़ाई खाने, तो शाही कढ़ाई भी रिव्यू करेंगे, लेकिन साथ में दिखाऊंगा बलोची टिक्का कढ़ाई में किस तरीके से तैयार होता है। यार इस वक्त ये जो बना रहे हैं शाही कढ़ाई बना रहे हैं अभी, ये जो बन रहा है जी, अरे शाही अभी सब में ही शाही कढ़ाई लगी हुई है तकरीबन भाई, सब में शाही कढ़ाई ही लगी हुई है। और वैसे ये क्या बना रहे हो? चिकन का कीमा। अच्छा चिकन, अच्छा यहाँ की एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं ना कोयले पे ही तैयार होती है, चाहे वो कीमा हो या मटन कढ़ाई हो शाही या फिर वो कटाकट वगैरह, तो थाल में जो है ना सर्व किया जाता है। ये कौन सी कढ़ाई है? ये व्हाइट कढ़ाई है। व्हाइट कढ़ाई, और ये शाही कढ़ाई है? चिकन शाही कढ़ाई। चिकन शाही कढ़ाई, ये लेमन चस्का। क्या क्या? लेमन चस्का, लेमन चस्का। सुभान अल्लाह भाई, लेमन के लेमन चस्का और दूसरे में उसमें फर्क क्या है? लेमन चस्का में ये होता है कि वो क्रीम में बनता है। अच्छा, लेमन और एक मिल्की व्हाइट होता है, मिल्की व्हाइट दूध में बनता है। सुभान अल्लाह यार, ये नई चीज़ पता चली। यहाँ पर ज़्यादातर जो मैं देख रहा हूँ ना बीफ का कीमा चलता है। लेमन चस्का क्या चीज़ है ये? लेमन चस्का हमारे स्पेशल होता है, जो खास किस्म से लोग ऑर्डर करते हैं, जिसके अंदर बोनलेस के अंदर हम बनाते हैं, उसके अंदर दूध डलता है, क्रीम डलती है, और उसके अंदर हम इसको तैयार करते हैं और मुख्तलिफ मसाले डलते हैं, खास मसाले। तो मसालों में कोई चेंजेस है या वही? मसालों में चेंजिंग है बहुत सारी, मसाले हमारे स्पेशल होते हैं, सिर्फ हम उसको अपने ऑर्डर से तैयार करते हैं। अच्छा, एक दूसरी, एक कटाकट जो नॉर्मली बनता है तवे पे बनता है, आप कढ़ाई में बना रहे हो, तो वो क्या डिफरेंट चीज़ है? कोयले पे जब हम कटाकट बनाते हैं, एक कोयले का जायका उसमें आ जाता है, और इसके अंदर जो ना फ्राई सही होता है। इस वक्त सारा मटन कढ़ाई शाही लगा हुआ है या और भी कुछ लगा हुआ है? बीफ भी लगा हुआ है और मटन भी लगा हुआ है, ज़्यादातर मटन लगा हुआ है। अच्छा, ज़्यादातर मटन लगा हुआ है और फिर उसके बाद बीफ है। ये है मटन कढ़ाई, और माशाल्लाह यार एक अच्छी चीज़ ये कि बोटी के बड़े स्क्वायर शेप के अंदर पीसेस हुए हैं माशाल्लाह, और इसके बाद आ गई गार्निशिंग। ये शाही कढ़ाई है आपकी? अच्छा, यहाँ जो मैं देख रहा हूँ ना सारी चीज़ें माशाल्लाह शाही में तैयार होती है, और इनकी स्पेशलिटी जो है ये, और रश अगर मैं दिखाऊँ तो भाई बहुत ज़्यादा रश है, ये चेक कर रहे हैं माशाल्लाह। ये सारा जो पब्लिक का जो रश है ना भाई, ये कढ़ाई वगैरह खाने के लिए, और यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, इनमें से किसी से पता करके देखते हैं क्या खाने आए, मतलब अल्लाह के वास्ते। एक सेकेंड, आप क्या खाने हो भाई? प्याज तो नहीं, वैसे कढ़ाई वगैरह में क्या ऑर्डर कर रहे हैं? कीमा। तो फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, पहले आप लोग सब आ चुके हैं? चार जनरेशन, तो यार तुम्हारे बच्चे नहीं हुए अभी तक? ओए होए होए होए, सुभान अल्लाह यार, वेरी गुड।
इस अगर इस माहौल में आप आते हो और इस तरह की चीज़ें आपको देखने का ना मिले ना तो मज़ा नहीं आता भाई। इस वक्त जो लगी हुई है ज़्यादा, मतलब ये कीमा मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर कीमा ज़्यादा कसरत से खाया जा रहा है, उसके बाद मटन और बीफ, ये शाही कढ़ाई जो इनकी जो स्पेशलिटी है वो, और उसके बाद भाई ये कटाकट यार, ये मतलब मुझे डिफरेंट कुछ लग रहा है, इसके अंदर कोई खास चीज़ होगी यार। बीस बाईस आइटम एक मसाले में, माशाल्लाह यार ज़बरदस्त। ये वाली खास चीज़ है जिसकी वजह से आपके मतलब उसका दुकान का नाम भी चस्का है। साबुत लेते हैं फिर उसको पीसते सही है, खुद कटर से पीसते फिर यहाँ रखते हैं। वेरी गुड भाई, ये स्पेशलिटी है जिसकी वजह से तो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह रंगत है, और यार इतनी ज़्यादा कढ़ाइयाँ लगी हुई। लोकेशन वगैरह थोड़ी सी बता दें इसकी। लोकेशन यहाँ पर ये गुरु मंदिर की तरफ, आप सोजल बाजार की तरफ जाते हैं वाली मस्जिद जैसे क्रॉस करोगे तीन नंबर की सिग्नल से पहले आता है, सोल्जर बाजार तीन नंबर के सिग्नल से पहले। भाई ये एक कटाकट वहाँ तैयार हो रहा है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, और एक कटाकट यहाँ पर तैयार हो रहा है। ये वाला जो कटाकट है ये कढ़ाई में बनाया जा रहा है। हमारी कढ़ाई कब लगा रहे हो? हमारी बीफ कढ़ाई बस वो लगा दो, उसके बाद भाई इसके बाद बैठते हैं, पर खा के आपको रिव्यू देते हैं। आज का ऑब्जेक्टिव जो बेसिकली कोयला बीफ कढ़ाई खाने का है, और बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है ये वाला आज का जो है। अच्छा भाई, उसके अलावा गोश्त का जो सेटअप है, मसला, आप लोग आप कढ़ाई खाने आए यहाँ पर, तो अभी आप अपना गोश्त कटवा रहे हैं खुद से? गोश्त कट चुके हैं। कौन सा, चिकन बीफ मटन? तो कढ़ाई कैसी है इनकी वैसे? बहुत अच्छी है। चलें यार, ये एक प्लस पॉइंट है कि एक कस्टमर अपना खुद से गोश्त यहाँ कटवाता है अपने हिसाब से। इसको जो भी खाना हो भाई, चिकन अगर लेना हो, चिकन मटन लेना हो, मटन हो बीफ, इसके अलावा सारी फैसिलिटीज यहाँ मौजूद है। सारा बीफ बगैर हड्डी का है। वेरी गुड यार, ये भी एक अच्छी चीज़ है। सारा का सारा अच्छा, बंदे से जो मैंने रिव्यू लिया तो वो अपने हिसाब से कटवा रहे हैं। भाई मैं थोड़ा सा लेट हुआ हूँ, लेकिन हमारी कढ़ाई फ़िलहाल तैयार हो गई है। देख खैर, अब खा के इंशाल्लाह रिव्यू देके आपको बताएंगे, जो कि फुल आग के शोले के अंदर बनाई जा रही है माशाल्लाह। ये शाही कढ़ाई बनाई है उस्ताद आपने? तो भाई आज चस्का की शाही कढ़ाई को ट्राई करने वाले हैं। भाई ये आ गई है कढ़ाई, चेक कर रहे हैं माशाल्लाह। ये बेसिकली बीफ शाही कढ़ाई है। आज आ गई है शाही कढ़ाई बीफ की, ट्राई करने वाला हूँ चस्का कोयला कढ़ाई में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मशहूर है, सोल्जर बाजार में लोकेटेड है। ट्राई करने आए बीफ की, क्योंकि यहाँ की तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। अच्छी चीज़ जो, अच्छा सारा गोश्त जो इनके पास होता है सारा का सारा बोनलेस गोश्त है। और दूसरी चीज़ यार देखें माशाल्लाह यार, गोश्त भी पूरा टेंडर हो चुका है यार। ये चेक कर रहे हैं, ज़बरदस्त सी बाइट, धुआं निकल रहा है मशीन। पढ़ाई यार बहुत डिफरेंट है सीरियसली, टेस्ट तो माशाल्लाह डिफरेंट है। और अच्छी चीज़ ये है कि गोश्त सारा का सारा माशाल्लाह टेंडर हो चुका है। और एक बार ट्राई करते हैं रायते के साथ कैसी लगती है। ये फुल रायते वाली यार कढ़ाई सीरियसली बहुत कुछ आला नस्ल की है। रायते के साथ जाहिर सी बात है थोड़ा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, पर अगर मैं कढ़ाई की बात करूँ तो बहुत नस्ली किस्म की कढ़ाई लगी हुई है। बीफ की कढ़ाई आज हमने बनवाई है, शाही बीफ कढ़ाई। मौका मिले लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये टेस्ट उम्मीद है मिले बहुत कम जगहों पे, सीरियसली ऐसा जाएगा, अच्छा जाएगा। क्योंकि काम ही यही था फूड ब्लॉग बनाना, जितनी भी स्ट्रीटें सारी कवर की है, ये जायका बिल्कुल डिफरेंट लगा है। अगर ये वीडियो पसंद आए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आपको मिलती रहें। यहाँ इसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इंशाल्लाह अगर ब्लॉग में आपको लगा तो ये तो बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।